इस देश की राजनीतिक पार्टियों ने बाबा साहब अंबेडकर की एक बड़ी सी फोटो लगा लेते हैं तब चुनाव आता है और उनके नाम से वोट मांगने का काम करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अरे बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ा लिखा करके बैरिस्टर की पढ़ाई पास कराने वाला और कोई नहीं, क्षत्रिय राजा वडोदरा दरबार थे। बाबा साहब अंबेडकर ने हजारों पुस्तकें लिखी, एक भी पुस्तक के अंदर एक भी क्षत्रिय के खिलाफ कहीं पांच लाइन भी नहीं है। मेरे देश के नौजवान साथियों, बाबा साहब का जब लास्ट टाइम के अंदर दिल्ली का बंगला खाली करवा दिया गया तो बंगला भी उनको रहने के लिए सिरोही दरबार ने दिया। मेरे देश के नौजवान साथियों, और जब बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया तो भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, क्षत्रिय। तो मैं आप लोगों से इसलिए ये बात रखी है कि फिल्मों के अंदर अमरीश पुरी को ठाकुर बड़ा बना करके गरीब जनता को मारते हुए पीटते हुए दिखाया जाता है, उनकी जमीनें छीनते हुए दिखाया जाता है, उनके बेटे के रूप में गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर को परोसा जाता है। और उनका काम क्या होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत तार तार कर रहे हैं। नहीं, क्षत्रिय ऐसा हो ही नहीं सकता। क्षत्रिय ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे क्षत्रिय तो वो हुए जो इस देश के अंदर समानता लाने के लिए, इस देश को एक करने के लिए 565 रियासतें इस सरकारों को दान में दे दी, दान में।